साधारण परिवार की एक लड़की डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और वहीं उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है, जैसे उसकी हड्डियां और पेल्विक गर्डल टूटे। हैरान कर देने वाली और रूह कपा देने वाली ये वारदात एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में हुई जहां हर साल कई डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन शायद कोलकाता की निर्भया को ये पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आज आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं सवालों के जवाब जो आप इस रेप मर्डर वाली वारदात के बाद ढूंढ रहे हैं। तारीख 8 अगस्त, मामला 8 अगस्त का है, जब एक महिला ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी के बाद डिनर करती है। रात के 12 बज रहे होंगे जब वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है। डिनर करने के ठीक बाद सेमिनार हॉल में जाती है। ये वो सेमिनार हॉल था जहाँ मरीज का बेड, कुछ कुर्सियाँ और कुछ सामान रखे थे। पुलिस के मुताबिक यहाँ कोई CCTV नहीं था, जिसके बाद उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि सेमिनार हॉल क्लास खत्म होने के बाद बंद कर दिया जाता है। तो फिर रात को सेमिनार हॉल खुला कैसे, किसने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला, ये बड़ा सवाल है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बयान बताता है कि सेमिनार हॉल की चाबी आमतौर पर सिस्टर इंचार्ज के पास होती है, जो एक बक्से में रखी जाती है। डॉक्टर जब भी चाबी लेते हैं उन्हें इस बात की जानकारी देनी पड़ती है कि वो सेमिनार हॉल क्यों जा रहे हैं। बाद में काम खत्म हो जाने के बाद इस चाबी को वापस कर दिया जाता है, यही नियम है। रात के अंधेरे में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। अगले दिन जब सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला गया तो लेडी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। जिसने भी वो मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। तारीख 9 अगस्त सुबह मेडिकल कॉलेज में चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप मिला। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था, गद्दे पर खून के धब्बे थे। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान थे। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिना हाथ और हाथ की उंगली, यहां पर भी चोट के निशान थे। कहा जा रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने ही लेडी डॉक्टर के घर वालों को फोन किया, कहा आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली।